अगर झारखंड का युवाओं को नौकरी में नहीं दूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यह बात कभी हमने नहीं बोला और हमने हेमंत सोरेन जी को प्रेरित भी नहीं किया था कि आप ऐसा बात बोलिए, लेकिन आपने ये बात कहां बोला? वीर शहीद निर्मल महतो की आप जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल जाके आपने पन लिया कि 5 लाख नौकरी मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा कि और 1 महीना का इंतजार करेगा कि अगले 2-1 दिन में ही आप राजनीति से संन्यास ले लेगा? इसलिए मेरा जितना जानकारी है, नवंबर में चुनाव होना है, अक्टूबर में झारखंड का जो शासन लगभग इलेक्शन कमीशन का हाथ में चला जाएगा, आपका हाथ में सितंबर महीना है, आप सितंबर महीना में भी पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन कम से कम आपका रिटायरमेंट डेट हमें बता दीजिए कि हम 30 सितंबर को या 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती का दिन होगा, अच्छा होगा, आप राजनीति से संन्यास लेने का आपका ही जो निर्णय था इसको आप विधिगत रूप से आप इसको क्रियान्वित करने का काम कीजिए। किसलिए? मेरा पिता का कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन आपका पिताजी झारखंड का और देश का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। अगर शिबू सोरेन जी का बेटा अपना वादा नहीं निभा सकता है तो कौन यह वादा निभाएगा? आज झारखंड हेमंत सोरेन जी से पूछ रहा है। 5,000 प्रति मास 15,000 करोड़ हमारे युवाओं को अभी तक मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। पेंशन का नाम में माताओं को 3,750 रुपया मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 50,000 गारंटी फ्री लोन का अनुसार हमारे युवाओं को अभी तक 2.5 लाख, महिलाओं को 2.5 लाख करोड़ मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 50 लाख महिलाओं को सुला भत्ता 2,000 रुपया से 7,000 करोड़ मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। सोने का सिक्का 300 करोड़ रुपया लोगों को, माताओं को, नवविवाहिता को मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 1,80,000 करोड़ रुपया झारखंड का परिवारजनों को मिल जाना चाहिए था 72,000 रुपया का हिसाब से, आपने नहीं दिया। आज आप क्या कर रहा है? अभी आप मैया योजना लेके आ रहा है। मैया योजना में जितना खर्चा हो रहा है उतने ज्यादा खर्चा आपका जर्मन हैंगर में हो रहा है। जितना पैसा आप मैया योजना में दे रहा है उससे ज्यादा पैसा आपका फोटोग्राफ प्रिंटिंग में जा रहा है।